गाइज तो कैसे हैं आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे तो गाइज आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कुछ इस प्रकार की एडिटिंग तो जिन भाई लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड इस वीडियो में आपको ग्रीन बैकग्राउंड भी करना वाला सिखाने वाला हूँ एंड काफ़ी बेहतर देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है तो वीडियो में बने रहना एंड एंड तक देखना वीडियो को काफ़ी मज़ा आने वाला है एंड इसमें कुछ टिप्स भी बताने वाला हूँ तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो तो सिंपली गाइज हम स्नैपसीट में आ चुके हैं एंड आपको इसके बाद करना क्या है तो आपको करना क्या है एंड आपको देख रहा होगा एक टूल वाला ऑप्शन दिख रहा होगा उस पर आपको क्लिक करके टूल तो वाले इमेज पे चले जाना है तो इसमें आने के बाद आपको थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देना है एंड कंट्रास्ट को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे जिससे कि थोड़ा बढ़िया लगे सेचुरीसन को फिर से बढ़ाना है तो चलिए सेचुरेसन को बढ़ाते हैं सेचुरेसन को बढ़ाने के बाद आपको एम्बुलेंस का ऑप्शन दिख रहा होगा तो इसको थोड़ा सा बढ़ाएँगे एंड हाईलाइट को भी थोड़ा सा घटा देंगे उसके बाद सेडअप को भी थोड़ा सा घटाएंगे एंड वन को हाँ इतना रख लेंगे एंड इसके बाद आपको करना क्या है यहाँ से डन करके फिर से उसी वाले टू इन इमेज में जाकर उसके बाद आपको करना है इसको पूरा इसको माइनस कर देंगे उसके बाद कंट्रस्ट को बढ़ा देंगे एंड सेचुरेसन को फुल्ली हाई कर देंगे एंड इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे हाईलाइट को घटा देंगे सैडो को थोड़ा सा कम कर देंगे और इतना करने के बाद आपको यहाँ से सेव कर देना है सेव करने के बाद आपको करना क्या है ऊपर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको इसको इरेज कर लेना है तो चलिए इरेज कर लेते हैं इस तरह से आपको कर लेना है इस तरह से करके आपको सेव कर लेना है तो यहाँ से सेव कर लेते हैं एंड उसके बाद आपको करना क्या है फिर से टूल वाले ऑप्शन पे जाकर सिलेक्टिव वाला ऑप्शन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके आपको फेस पे ले जाकर छोटा करके थोड़ा सा इसका ब्राइटनेस थोड़ा सा बढ़ा देंगे कंट्रास्ट को भी थोड़ा माइनस कर देंगे एंड इसका भी सेचुएसन माइनस करके स्ट्रक्चर इतना करने के बाद आपको करना क्या है यहाँ से सेव करके आपको यहाँ शेयर वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करके आपको जाना है स्केच में तो चलिए स्केच में चलते हैं एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है मेरे चैनल को एंड चलिए इसको करते हैं तो इसके बाद आपको करना क्या है पेंसिल वाला ऊपर आइकन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके स्क्रॉल ऊपर करना है स्क्रॉल करने के बाद आपको ई वाला पेंसिल दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके सेटिंग वाले क्लिक क्लिक करके साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे इस तरह से आप लोग कर लेना इस तरह से देख लो एंड उसके बाद आपको इसको थोड़ा लाइटनेस कर देंगे इस तरह से कर देना है एंड उसके बाद इसमें इसको थोड़ा सा कम करके ऊपर का साइड को कर देना है तो इतना करने के बाद आपको करना क्या है फिर से ऊपर पेंसिल वाला ऑप्शन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके आपको लाइब्रेरी में जाना होगा तो लाइब्रेरी में आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा एक स्मूथ वाला पेंसिल दिख रहा होगा तो इसमें सेकेंड वाला पेंसिल ले लेंगे एंड साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे बढ़ाने के बाद आपको इस तरह से स्मूथ कर लेना है इस तरह से तो स्मूथ कर लेते हैं तो सिंपली आपको इस प्रकार से कर लेना है एंड उसके बाद आपको करना क्या है ऊपर पेंसिल वाला ऑप्शन दिख रहा होगा उसके बाद लाइब्रेरी में जाकर ऊपर स्क्रॉल करना है तो स्क्रॉल करने के बाद आपको फिर से उसी वाले ऑप्शन पेंसिल पे जाना है एंड सेटिंग पे इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा एंड नीचे वाला भी साइज़ को बढ़ा एंड उसके बाद आपको इधर कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इतना इस तरह से ऐसे कलर करके आपको यहाँ से सेव करके और उसके बाद यहाँ पर बगल में कॉपी वाला ऑप्शन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके आपको एक और लेयर ले लेना है एंड लेयर लेने के बाद उसी पे क्लिक करके आपको यहाँ पे नीचे सॉफ्ट लाइट का ऑप्शन दिख रहा हो उस पर सेव करके आपको बैक हो जाना है बैक हो जाने के बाद आपको इस तरह से इस तरह से आपको कर लेना है तो चलिए कर लेते हैं ठीक से साइज को बढ़ा लीजिएगा एंड सब लोग तो इस तरह से कर लेना है एंड यहाँ से इस तरह से कर लेना है हैंड पे भी एंड आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ उसमें कि आपको इसके बाद करना क्या है आपको यहाँ से ऑर्डर करके आपको फिर से स्नैपचिट में जाना होगा इसमें एक चीज़ बताने वाला हूँ जो मैं करने वाला हूँ तो उसमें स्नैप में जाकर आपको टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डबल एक्सपोजर का ऑप्शन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके आपको यहाँ से इमेज ले लेना है तो इमेज ले लेते हैं पी तो तो पी लेने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से आपको कर लेना है करने के बाद आपको यहाँ से सेव करके और व्यू एडिट में जाकर आपको इसे पूरा माइनस करके आपको इस तरह से साफ़ कर लेना है इरेस कर लेना है देख सकते हो इस तरह से कर लेना है आपको इसमें करना क्या है आपको यहाँ से जूमिंग करके आपको इसके पार्ट को कट कर लेना है इस तरह से इस तरह से करके आपको यहाँ से सेव कर देना है एंड बैक आ जाना है तो आप देख सकते हो कितना ख़तरनाक अच्छा लग रहा है फ़ोटो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में